अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अब्बास और खुश आमदीद हमेशा की तरह और हमेशा मौजूद एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है एक गाना जो कि है बाय कैदी मिनाटी। काफ़ी अर्से से इनकी कोई वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई वो इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं गाने पर। तो अब ऐसा क्या है इस गाने में, चलते हैं सुनते हैं। उस गाने का नाम है वरदान। वरदान हमारे साथ मौजूद है हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान श्री शाकिर शाह जी। उसे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटा जरूर बजा दीजिएगा। पापा मैं कल एग्जाम नहीं दूंगा, मेरे बस के नहीं आया ये सब। यहाँ बेटा अपनी जिंदगी बता रहे हैं क्या यार? बेटा ये सब हमारे पल्ले नहीं पड़ता, पर इस फील्ड में लोगों की सारी जिंदगी गुजर जाती है पर कुछ हासिल नहीं होता। अगर तो इसके लिए तैयार है तो ठीक है। पापा मान तो गए हैं पर इसमें फेल नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? ओए ऐसे कैसे करा परेशान आत्मा, मैं तेरा फ्यूचर हूं। कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम के बारे में सोचता रहेगा, कुछ बनाएगा भी? चल छोड़, तुझे घुमा के लाता हूं। सशक्त बक्से में बंद, बड़े बड़े लगा उस पे जंग और गंध, कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद। घिसट घिसट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग, सहले तू दर्द क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग। घर वालों से आती शर्म कहने में जो मुझे है बनना, जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूंगा यही था शुरू से मुझे करना। रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने, जितना पीछा करोगे उतने बढ़ेंगे फासले, सपनों के लिए सांस ले, सपनों के लिए जान दे कैसे है करना बस यही ना जान दे। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तो ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वादे। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तो ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का। पता है जब कैरेजोल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना तब मैं एक नया गेमिंग चैनल खोलूंगा। अच्छा याद से खोल लियो। तेरा फ्यूचर और मेरा प्रेजेंट डिपेंड करता है उस पर। अब ये एग्जाम एग्जाम की बकचोदी छोड़ और सही चीज पे दिमाग लगा, है खत्म हो गया खेल ले। पी ले। नीचे मत देखना, पीछे मत मुड़ना, चिल्लाते लोग जिंदा या मुर्दा, जरा सोच कभी तू भी वही था पर तुझमें थी वीरता, हाँ तू ही सही था। सब में चलती है आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम, अंत में बचती है राख जो करती हिम्मत और भी कम। करनी है पूरी अपनी खुराक, लगेगा सिर्फ एक ही जन्म, लपटे उठेगी रॉक से बस रखना है आगे कदम। पीछे लोग और मारेंगे ताने, उनकी मत सुन ये भूखे बेचारे, जाने गंजाने के बस खाते हैं ताने, ये लोग खुद को ना पहचाने तो सोचो कैसे आएंगे हमें बचाने। नाकामयाबी का जब पड़ता है अंधेरा, नहीं समझते सब और लगता है अकेला, तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वाही दे। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वाही दे। बनाने लेजेंड बनानी बस अपनी जगह, तेरा 100% 200% तू पावर लगा।
ओए आ तुझे घुमा के लाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार हमेशा की तरह, और कुछ ना कुछ न्यू लेकर आते हैं और कुछ सीखने को मिलता है इनकी एक वीडियो के साथ साथ, इंजॉयमेंट के साथ साथ एक मैसेज भी कि बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपना एक गोल एक मुंतखब करना चाहिए, फिर उसने कोशिश करना तो अचीव कर लेता है। तो एक अच्छा वीडियो के साथ अच्छा मैसेज और हिम्मत, कुछ अपने आप से उन्होंने अपने आप को दिखाया है कि किस तरह उस पर शायद बीता है और किस तरह उसने सोचा है कि पढ़ाई में शायद उसका इतना वो नहीं था फोकस, तो उसे कुछ और करना चाहता था। हम होते हैं ना बाजू का, हम सोचते हैं कि हम कुछ कर जाते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ चाहते हैं कि ये कुछ ये बन जाए, तो बंदे को करना वही चाहिए जिसको पेरेंट्स को भी चाहिए कि देखे कि उसके बच्चे में किस चीज़ में स्पेशलिटी है, उसकी सलाहियतें क्या हैं, तो उस पर फोकस करना चाहिए। अब सारे सारे डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे ना, सारे सारे पायलट तो नहीं बन जाएंगे ना, तो कुदरत ने इंसानों में ऐसी अलग अलग स्पेशलिटी डाली होती हैं, तो देखना चाहिए कि पहले तो हमें अपने अंदर अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे में क्या है, मैं क्या चीज़ हूँ। हम पहले अपने आप को तस्खीर तो करें, हम अपने आप को तस्खीर करते नहीं, हम दूसरी चीज़ों को तस्खीर करने लग जाते हैं उसको, तो पहले हमें अपने आप ढूंढना होता है कि हमारे में क्या सलाहियतें हैं, फिर उसको फिर उजागर करना चाहिए, फिर एक अच्छा इंसान बन जाता है। ठीक बिल्कुल, आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये नंबर वाइज इंडिया का अब तक का सबसे मतलब इंडिविजुअल जो है वो नंबर वन क्रिएटर है, तो इस वजह से उसने अपने ये बताया, सफ़र बताया कि भाई मैं कहाँ से, जब उसमें स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो एक बच्चा दिखाया गया कि वो अपने बाप को बोलता है कि यार कि मुझे नहीं पढ़ना, पेपर वगैरह नहीं देने, मुझे कुछ और करना है, तो वहाँ जो सपोर्ट दिखाई गई उसके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स ने जो दिखाई वो बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, और ऐसा हो भी रहा है आजकल, हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो वाकई माँ बाप जो हैं वो रुकते हैं सुनते हैं, लेकिन हमसे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, हमें कहा जाता था कि भाई आपको ये चीज़ बननी है और आपको करना है इन फ्यूचर, लेकिन क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको मौका दिया तो वो आज आके कैरिंग नाटी इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा ब्रांड बना, उसने दिखाया कि लोग उसको बहुत कुछ बोलते थे, बोलते हैं अभी भी कि भाई तू कैसी वीडियोज़ बनाता है, क्या करता है, ये कोई इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को स्टैंड आउट करा, उसने अपने आप का नाम अपना नाम बनवाया, और मेरे ख्याल से यही उसने अपनी एक तरीके से मोटिवेशन देने के लिए लोगों को कि सुनना नहीं है किसी की भी बात, अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हो और आपको पता है कि आप लगे रहोगे और आप कुछ कर सकते हो तो बस आप लगे रहो, अपना काम करके दिखाओ और अपने काम से लोगों को चुप कराओ, जो कि शायद उसने अब करा दिया लोगों को, जो लोग उसको बोलते होंगे मे बी रिश्तेदार बोलते होंगे और क्या कहते हैं इर्द गिर्द के दोस्त यार, क्योंकि वो हमारी एज का, मेरी एज का है मैं बोलूँगा कि मुझसे थोड़ा बड़ा होगा, मेरे बराबर का होगा, और उस कितना डिफरेंस है ना, वो कहाँ स्टैंड आउट करके निकल गया, हम कहाँ बैठे हैं, तो वो ये वीडियो ये गाना हमें मोटिवेट करने के लिए कि यार आपको रुकना नहीं है, आपको जो करना आप करो, और इंशाल्लाह जो जो चाहता है कि वो कुछ करे ज़िंदगी में, आप लोग लगे रहें और इस गाने से हम कुछ सबक सीख सकें। आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से, कैरी को बहुत सारा हमारी तरफ से मुबारकबाद कि वो एक स्टैंड आउट करके एक इंडिया का अब तक का नंबर वाइज एक सबसे बड़ा यूट्यूबर बन चुका है वो, और उसको मुबारक हो बहुत बहुत। आप पहले से लड़ाई रहती थी बीबी और अमित की, अमित बताना कि भाई कौन आगे निकलेगा, कौन क्या करेगा, लेकिन इसने एकदम से जंप किया दोनों को, वो जो एक बीफ आई यूट्यूब और टिकटॉक की, इसमें इसने सबको पीछे छोड़ दिया, तो हमारे लिए इतना ही, क्या कहते हैं, हम सीख सकते हैं इससे और उसकी सक्सेस को हम जल नहीं सकते, हम उससे सीख अगेन उसमें सीखना ही है कि वो कहाँ चला गया, कहाँ पहुँच गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, जब तक के लिए हाफिज़।